हाय एवरीवन, आई एम शेली एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले बहुत ही ब्यूटीफुल कलरफुल एम्ब्रॉयडर लाइट फेस्टिव आउटफिट, जो कि परफेक्ट है अपकमिंग फेस्टिव सीजन के लिए। और हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल लिपस्टिक, जिनका प्राइस है अंडर 50 रुपीज़। जी हाँ, अफोर्डेबल की रेट में भी आपको बहुत ही अच्छी और अच्छी क्वालिटी की बेसिकली लिपस्टिक्स मिल सकती हैं। तो चलिए पहले स्टार्ट कर लेते हैं कुर्ताज के साथ। तो ये है मेरा फेवरेट कुर्ता, जो कि है वाइब्रेंट येलो कलर का, और इसमें आपको एक ऑल कलर भी मिल जाएगा, नेवी ब्लू कलर, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। इस कुर्ता को जो सबसे स्पेशल बात बनाती है वो ये है कि कुर्ता तो कट स्लीव्स का है, लेकिन इसके साथ आपको मिल जाती है अलग से ये जैकेट, एथनिक जैकेट, जिसकी स्लीव्स है 3/4। और अच्छी बात ये हो जाती है कि अगर आप इस कुर्ता के साथ इस जैकेट को नहीं पहनना चाहते, तो आप किसी और अपने कुर्ता या फिर शर्ट वगैरह के साथ भी इस वाली जैकेट को स्टाइल कर सकते हैं। तो ये जैकेट इतनी खूबसूरत है, इस पूरी जैकेट पे फ्रंट में ना बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी की हुई है, जो इसको और ज़्यादा खास बनाती है। ये कुर्ता पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, इसका फैब्रिक एक कॉटन ब्लेंड, दिस इज़ नॉट प्योर कॉटन, बट पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। थोड़ा सा ट्रांजी है, लाइक अगर आप जो इसके अंदर कुछ कलरफुल पहन लेंगे तो वो प्रिंट होगा, तो बेटर है आप कुछ न्यूड पहने इसके अंदर। एंड आई एब्सोल्युटली लव द एम्ब्रॉयडरी जो पूरा इसकी जैकेट के ऊपर हुई हुई है। इसके दोनों ही कलर बहुत प्यारे, नेवी ब्लू भी एंड येलो भी। तो हाँ, आप कोई भी खरीद सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। और 600 रुपये का मुझे मिला था अभी, जो सेल गई है उसमें, तो यार 600 रुपये में तो इट्स अ स्टील डील। ये बहुत ही कमाल का प्यारा सा कुर्ता आया है, एब्सोल्युटली लव इट। और इसको अपकमिंग फेस्ट, इसकी अच्छी बात ये है यार, आप इसको फेस्टिव सीजन में स्टाइल कर लें या फिर आप इसको रोज़ में कॉलेज में पहन के जा सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा कुर्ता है, रियली लव इट एंड आई वुड हाईली रिकमेंड इट। और बस यही है कि मैं अभी इसको पहनूंगी और आफ्टर वॉश रिव्यू इसका डेफिनेटली करूँगी, क्योंकि मुझे देखना है इसको पहनने में, देखने में इसकी क्वालिटी बहुत कमाल की लग रही है। बाकी मुझे देखना है आफ्टर वॉश कैसे ये परफॉर्म करता है, कलर तो नहीं निकलता या क्वालिटी तो ख़राब नहीं हो जाती। तो बाकी ओवरऑल तो मुझे ये कुर्ता बहुत ही अच्छा लग रहा है, जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर माय आफ्टर वॉश रिव्यू ऑन दिस कुर्ता। जस्ट लुक एट द कलरफुल एम्ब्रॉयडरी, इट्स सो ब्यूटीफुल, और जो आप प्राइस पे कर रहे हैं उसके हिसाब से बहुत ही प्यारा कुर्ता आपको मिल रहा है। जो नेक्स्ट कुर्ता है वो है ये पिंक कलर का कुर्ता है, ये बहुत ही प्यारा रोज़ में पहनने के लिए, कॉलेज ऑफिस में पहनने के लिए ये वाला कुर्ता है। इसमें भी चेस्ट एरिया पे पूरी एम्ब्रॉयडरी की हुई है, मल्टी कलर थ्रेड वर्क्स का काम किया हुआ है। इसका भी जो फैब्रिक है कॉटन है, ये पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, स्किन पे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। इसमें पिंक, वाइट, ब्लू, रेड कलर की थ्रेड्स का यूज़ करके इसमें पूरी चेस्ट एरिया पे ना एम्ब्रॉयडरी की हुई है। तो हाँ, ये आप देख लीजिए इसका क्लोजअप, अभी मैं आपको और ज़्यादा क्लोजअप से दिखाऊंगी सो दैट आपको और अच्छे से आइडिया हो जाए। सो जस्ट लुक एट ऑल द थ्रेड वर्क, जिसमें थोड़े थोड़े ना बीट बीट में वो जो प्लास्टिक के मिरर्स आते हैं ना, तो वो भी इसमें नीचे लगाए हुए हैं पूरे कुर्ता के ऊपर। ओके, देन जो नेक्स्ट हमारा कुर्ता है, इसकी सबसे अच्छी बात ये है इसमें 5-6 कलर ऑप्शंस अवेलेबल है, रेड, ब्लू, ग्रीन और 3-4 येलो भी है, 4-5 कलर ऑप्शंस अवेलेबल है, तो अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। ये बहुत, मेरे पास ना एक्चुअली मेहंदी कलर एक भी नहीं था, तो मैंने कहा चलिए इस कलर का मंगवा लेते हैं। और ये जो फैब्रिक है ये है रेयॉन, अगर कपड़ों में मैं बोलूँ कोई मेरा फेवरेट फैब्रिक है तो वो है रेयॉन। बहुत ज़्यादा एकदम बहुत ही मुलायम वाला, बहुत ही फ्लोई फैब्रिक होता है, जैसे लीवा के कपड़ों का फैब्रिक होता है ना वैसे। इट्स रियली सॉफ्ट ऑन स्किन और इसका ना मुझे कलर बहुत अच्छा लगा, लाइक मेहंदी कलर और उसके ऊपर रेड और ब्लू, येलो, ग्रीन कलर के ऐसे पूरा ना फ्लोरल प्रिंट हुआ हुआ है पूरे इसमें। तो मुझे ये बहुत कम्फर्टेबल, बहुत सॉफ्ट और कॉलेज वगैरह में पहनने के लिए, एवरीडे में पहनने के लिए काफ़ी क्यूट और काफ़ी ब्यूटीफुल ऑप्शन है। और कलर आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, ज़्यादातर लोगों को इसका येलो जल्दी सोल्ड आउट हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसको इसका येलो ज़्यादा पसंद आता है। और ये जो आप बटन देख रहे हैं ना, ये ओपनेबल नहीं है, ये खुलते नहीं है, तो ये बंद है, सिर्फ ऊपर के एक आध बटन खुलता है और बाकी सारे जो है बटन बंद रहते हैं। तो मुझे ये कलर बहुत डिफरेंट और बहुत ही अच्छा लगा और बहुत सॉफ्ट और कम्फर्टेबल है पहनने में। ओके, देन जो नेक्स्ट कुर्ता है ये तो बहुत ही प्यारा कुर्ता है, नेवी ब्लू कलर का है ये कुर्ता, थोड़ा सा विद अ हिंट ऑफ पर्पल,
और ये बहुत ही ब्यूटीफुल फेस्टिव कुर्ता है, पूरे चेस्ट एरिया पे बहुत ही ब्यूटीफुल वाली एम्ब्रॉयडरी की हुई है, जो मैं अभी आपको क्लोजअप दिखाऊंगी ना तो आपको पता चलेगा। अगर आपको बजट कम है और कम बजट में आप अच्छा सा एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ता लेना चाहते हैं दिवाली के लिए या फिर अपकमिंग फेस्टिव सीजन के लिए आप कभी भी पहनना चाहते हैं तो आप ये कुर्ता डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। इसका फैब्रिक है पॉली चंदेरी, इसमें अंदर कुर्ता में लाइनिंग गिवन है जो कि है कॉटन की, सो दैट स्किन पे पहनने में सॉफ्ट हो, कंफर्टेबल हो, बिल्कुल भी चुभे ना। तो इसके हैंड्स पे भी एम्ब्रॉयडरी है एंड्स में और पूरे चेस्ट एरिया पे अच्छे से काम किया हुआ है, तो मुझे अच्छा लगा। बाकी नीचे से पूरा सिंपल है पर पहनने में कम्फर्टेबल है और हाँ ये लगता है मुझ पर कुछ इस तरह से। मैंने इसको स्टाइल किया गोल्डन प्लाजो के साथ। वैसे इस पर ना पूरा पिंक कलर का थ्रेडवर्क से काम किया हुआ है, तो पिंक कलर के आप प्लाजो के साथ भी इसको स्टाइल कर सकते हैं। आई रियली लव द कलर एंड आई थिंक 600 रुपए में ना ये बहुत ही प्यारा कुर्ता है। दिस इज अ स्टील डील, मुझे बहुत अच्छा लगा फॉर द प्राइस। दिस इज अ रियली नाइस कुर्ता, इसका ओवरऑल लग नहीं रहा, मतलब कोई नहीं कहेगा कि ये 600 का कुर्ता है। ओके सो जस्ट लुक एट द क्लोजअप, इट्स सो ब्यूटिफुल। ये बहुत ही ब्यूटिफुल वाला ब्लू कलर है, इसमें लोटस बने हुए हैं और गोल्डन कलर के लीव्स वगैरह बने हुए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यार इसका ओवरऑल ना, जिसपे काम हुआ है ना बहुत ही खूबसूरत वाला है। जस्ट लुक एट द क्लोजअप, और ये जो कुर्ता है ना आपको सेल के टाइम ही इतने ज़्यादा ऑफ में मिलते हैं, तो ये अच्छा टाइम है ख़रीदने का, वरना तो फिर प्राइस इनके फिर से बढ़ ही जाएंगे। तो हाँ ये है स्लीव, स्लीव्स पे भी प्रॉपर अच्छे से इन्होंने एंड्स में पूरा एम्ब्रॉयडरी की हुई है जो कि मुझे अच्छा लगा। ओके चलिए देख लिए कुर्ते, अब देख लेते हैं लिपस्टिक। जो लिपस्टिक्स आज आपको मैं दिखाने वाली हूँ वो है मिनी लिपस्टिक्स। मेरा ना बड़े टाइम से मन था मिनी लिपस्टिक, कितने सारे यूट्यूबर्स रिव्यू करते हैं ट्राई करते हैं, मेरा मन था कि मैं भी ट्राई करूँ, तो मैंने कुछ मिनी लिपस्टिक्स मंगवाई है purple.com से, स्टेक वर्की की, NYB की एंड पर्पल की खुद की। तो तीन तरह की मैंने मिनी लिपस्टिक्स मंगवाई हैं, चलिए ट्राई कर लेते हैं। पहले मैं आपको दिखाऊंगी स्टेक वर्की की मिनी लिपस्टिक्स। ये आती हैं इस तरह के कार्टन बॉक्स में आपको रिसीव होती हैं प्रॉपर, ठीक है। तो ये आपको दिख ही रहा होगा, मतलब इतनी मिनी है कि मेरे पूरे हैंड्स में आ गई हैं। तो इस तरह की जो है अंदर की पैकेजिंग है, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, पैकेजिंग बड़ी ही क्यूट है और इस तरह की प्रॉपर पैकेजिंग है कि यार अगर आपको किसी को गिफ्ट भी करना हो ना तो आपको अलग से पैक करने की ज़रूरत नहीं है। और इतने सस्ते में लाइक 300 रुपये के आसपास आपको मिल जाता है, 300 रुपये के डिस्काउंट में, तो 300 रुपये में के आसपास यार आपको ये पूरा 12 लिपस्टिक्स के शेड्स ट्राई करने को मिले। लाइक एक लिपस्टिक के प्राइस में आपको 12 लिपस्टिक्स के शेड्स ट्राई करने को मिल रहे हैं, ये काफ़ी अच्छा है। इस तरह की पैकेजिंग है और यहाँ पर लगा होता है एक स्टिकर जिसमें लिखा होता है किट का कौन सा नंबर है, दिस इज़ किट 1। टोटल 4 तरह की किट आती हैं, तो मैंने मंगवाई किट 1, ठीक है। इसमें पूरी 12 शेड्स आपको मिल जाती है, तो यार अगर आप कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं और बजट ज़्यादा नहीं है और यार अलग अलग कलर्स की लिपस्टिक्स आप लगाना चाहते हैं लेकिन बजट कम है, तो आप ये वाली लिपस्टिक्स लगा सकते हैं। लाइक एक लिपस्टिक लेने की जगह आप ले सकते हैं ये, रोज़ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आप लगा सकते हैं, क्योंकि स्कूल और कॉलेज का टाइम तो यार सब कुछ अपनी पॉकेट मनी में ही मैनेज करना होता है। तो 300-400 रुपए की एक लिपस्टिक लेने की बजाय आप ये ले लें, और आप यार इसको एक्सपायरी डेट है 2 साल और इसमें आपको 12 शेड्स मिल रहे हैं, तो रोज़ डिफरेंट डिफरेंट शेड्स आप लगा सकते हैं। मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, दिस इज़ अ रियली ग्रेट गिफ्टिंग ऑप्शन। अगर आप किसी को भी देंगे ना तो कोई भी खुश हो जाएगा, क्योंकि तो पैकेजिंग इतनी अच्छी है, दूसरी बात दिखने में इतनी क्यूट है और हर किसी के लिए कोई ना कोई शेड आपको इसमें मिल जाएगा। तो चलिए मैं अब आपको दिखा देती हूँ स्वॉचेज, जस्ट लुक एट दैट। सारे सिंगल स्वाइप्स में आपको दिखा रही हूँ और आप पिगमेंटेशन देख सकते हो, सिंगल स्वाइप में ही पिगमेंटेशन कितना अच्छा आ रहा है, मतलब डबल स्वाइप भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो मैं बहुत इंप्रेस हो गई, पहली बात पैकेजिंग बहुत अच्छी है, दूसरी बात इस लिपस्टिक बॉक्स में ना हर किसी के लिए कोई ना कोई शेड है, देर आर पीच, न्यूड्स, पिंक्स, मरून्स, न्यूड्स, ब्राउन्स, पर्पल, हर तरह की रेड्स, हर किसी के लिए कोई ना कोई शेड है, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है। दीज आर सुपर मैट लिपस्टिक्स, सुपर मैट है मतलब लिप्स पे बहुत ज़्यादा मैट है ये, बट जो आपको पता है बुलेट लिपस्टिक जो होती हैं, चाहे कितनी भी महंगी बुलेट लिपस्टिक्स ले लें, चाहे वो कितनी भी मैट हो, ट्रांसफ़र होती हैं, डेफिनेटली ट्रांसफ़र होती हैं। तो मैं भी आपको आगे टेस्ट दिखाऊंगी, पहले आप सारे स्वॉचेस का क्लोजअप देख लीजिए, दिस इज़ किट 1। तो ये किट 1 में जितने भी शेड्स आपको मिलते हैं उनका है क्लोजअप, डिफरेंट डिफरेंट शेड्स आपको मिल जाते हैं और ये सारे आई एम हाईली इम्प्रेस्ड।
वन साइड पिगमेंटेशन इज सो अमेजिंग, रियली नाइस। ओके चलिए अब देख लीजिए इसकी लिप स्वॉचेस फटाफट से, जो 12 शेड्स मैंने आपको दिखाए सबके मैं लिप स्वॉचेस आपको दिखा देती हूँ, सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि लिप्स पे कैसे लगते हैं। सो दे लुक एब्सोल्युटली मैट, पूरी मैट होती है, बट मैं आपको ये बोलूंगी कि जब भी आप इनको लगाएं हमेशा इनको लगाने से पहले लिप्स को मॉइस्चराइज कर लें अगर आपके लिप्स ड्राई हैं, क्योंकि ये ना लिप्स को और ज़्यादा ड्राई कर देंगे अगर आप मॉइस्चराइज नहीं करेंगे तो हमेशा मॉइस्चराइज कर ले बिकॉज दीज आर सुपर मैट, तो लिप्स पे थोड़ी सी ड्राइंग फील होती है ये। ओके चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट किट के सारे स्वॉचेस, जो ये नेक्स्ट किट नंबर है मैंने स्क्रीन पे आपको मेंशन कर दिया है, आप इसके भी स्वॉचेस देख सकते हैं। ये भी सारे सिंगल स्वाइप में, इनकी भी पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छी मुझे लगी है, इसमें भी आपको मिल जाते हैं रेड्स, ब्राउन्स, ऑरेंज, कॉरल, पिंक्स, न्यूड्स, इसमें भी आपको डिफरेंट डिफरेंट शेड्स मिल जाते हैं। आप लिंक खोल के वहाँ पे देख सकते हैं, चार तरह की किट्स आपको दिखेंगे, चारों में डिफरेंट डिफरेंट शेड्स है, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। तो ये है सारे स्वॉचेज, इसमें बर्गेंडीज, मरून्स, जो कि यार करवा चौथ वगैरह में लगाने के लिए भी आपको डिफरेंट डिफरेंट शेड्स मिल जाएंगे, तो अगर आप मैरिड हैं और आपका बजट कम है तो भी आप ये वाली लिपस्टिक जो है ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि जो मैरिड वुमेन्स होती है ना, मैंने देखा है ज़्यादातर उन लोगों को रेड अच्छा लगता है, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट शेड्स ऑफ रेड है, डिफरेंट तरह के रेड आपको मिल जाएंगे एक ही पैक में, तो आप ये डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। तो ये है क्लोजअप, तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ ट्रांसफर टेस्ट, मैं इनको बहुत जोर से प्रेस कर रही हूँ तो ये ट्रांसफर होती है, बिकॉज दीज आर सुपर मैट तो बहुत कम ट्रांसफर होती है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी ट्रांसफर हो रही है या पूरी ही ट्रांसफर हो रही है, बिकॉज दीज आर नॉट क्रीमी वाली लिपस्टिक्स, दीज आर मैट, तो इसलिए थोड़ी सी ट्रांसफर होती है। आप कितनी भी कोई भी बुलेट लिपस्टिक ले लें, चाहे वो कितनी ही महंगी हो या कितनी ही सस्ती हो, हमेशा ट्रांसफ़र होंगी, थोड़ी सी तो ट्रांसफ़र होंगी, बिकॉज दीज आर सुपर मैट, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी ट्रांसफ़र हुई, पर ट्रांसफ़र हुई है, चाहे थोड़ी ही सही पर ट्रांसफ़र होती हैं ये। ओके तो अब आप देख लीजिए इसकी लिप्स वॉचेस फटाफट से। ओके और नया मेरी मेसी एप्लीकेशन को इग्नोर करना, क्योंकि मैंने एक घंटे के अंदर अंदर 40 लिपस्टिक्स को लिप्स पे स्वॉच किया था, और अभी भी जो मेरी लिप्स है ना बहुत ज़्यादा बुरी तरह से ना ड्राई हो गए हैं, क्योंकि 40 मैट लिपस्टिक्स को मैंने लिप्स पे स्वॉच किया है, तो मेसी एप्लीकेशन के लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट, बट मैंने पूरा ट्राई करा कि अच्छे से लगा पाऊँ, बट फिर भी ना थोड़ी बहुत फैल जाती है, क्योंकि 40 लिपस्टिक्स लगाना यार कोई ईजी बात नहीं है। ओके तो इसके बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं इन लिपस्टिक्स के बारे में। पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, इनकी पैकेजिंग बहुत प्यारी है, इसमें आपको मिल जाते हैं एक ही लिपस्टिक के प्राइस में आपको 12 डिफरेंट शेड्स ट्राई करने को मिल जाते हैं, क्योंकि ये मैट फॉर्मूला है तो लिप्स पे ड्राई फील होती है, तो लिप्स को मॉइस्चराइज करना बिल्कुल भी नहीं भूले। और इसमें ना यार मुझे एक बात बहुत बुरी लगी कि इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट शेड्स ऑफ रेड है, जो मुझे बेसिकली न्यूड्स, पिंक्स और कॉरल ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो अगर वो वाले शेड ज़्यादा होते तो मैं और ज़्यादा खुश हो जाती। तो चलिए देख लेते हैं अब लिक्विड लिपस्टिक्स, ये है पर्पल की मिनी लिक्विड लिपस्टिक जो इन्होंने न्यूली लॉन्च की है, आपको पता ही होगा पर्पल की लिक्विड लिपस्टिक्स आती हैं, तो उन्हीं में सेम वेरिएंट में इन्होंने अपनी मिनी लिपस्टिक्स निकाली हैं। मैं पर्पल की लिक्विड लिपस्टिक लास्ट 1 ईयर से यूज़ कर रही हूँ, मैंने आपके साथ रिव्यू भी शेयर किया था, मेरी फेवरेट है, जस्ट लुक एट दैट, एक है ओरिजिनल और एक है मिनी, मेरे पास दोनों ही हैं,
तो मेरा मन था कि मैं मिनी ट्राई करूँ, तो इसलिए मैंने मिनी मंगवा ली। मेरे पास मिनी में सिर्फ और सिर्फ एक ही शेड है, सो ये वाला शेड है। बाकी मेरे पास बड़े वाले लिपस्टिक जो नॉर्मली जो इनकी आती है, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ जो मेरे पास शेड्स है। मेरे पास तीन शेड्स है। तो दिस इज़ द फर्स्ट शेड, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कॉरल शेड। देन इज़ द वेरी ब्यूटीफुल मॉवी पिंकी ब्राउनी न्यूडी शेड। देन कम्स अ वेरी ब्यूटीफुल रेड शेड। तो मेरे पास ये तीन शेड्स हैं फिलहाल इन लिपस्टिक्स में। सो सॉरी, मेरा ना गला ही ठीक नहीं होता। तो आप देख रहे हो ये बिल्कुल स्मज प्रूफ है, मैं कितना भी हार्शली रब कर लूँ स्मज नहीं होंगे। चलिए वाटर प्रूफ ट्रेस कर लेते हैं। पानी डालने के बाद भी नहीं फैली, पानी डालने के बाद मैं कितना हार्शली उसको रब कर रही हूँ तब भी जो है वो स्मज नहीं हो रही है। तो दीज आर वाटर प्रूफ एंड दीज आर वाटर रेजिस्टेंट, सो आई एब्सोल्युटली लव इट। इसमें वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो एक अच्छी लिक्विड लिपस्टिक में होनी चाहिए। और मैं यार इसको लास्ट वन ईयर से यूज़ कर रही हूँ, मैंने अपनी बहन को भी दी, शी ऑल्सो लव्स इट। तो ये है पहला शेड, लेकिन ये वाला जो शेड है ना जिनका फेयर स्किन टोन है उनके लिए अच्छा है। जो नेक्स्ट शेड है ये हर इंडियन स्किन टोन के लिए अच्छा है, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल मॉवी ब्राउनी शेड। देन इज द रेड शेड जो बहुत ही ब्यूटीफुल वाला रेड है और हर इंडियन स्किन टोन पे बहुत ही अच्छा लगने वाला है। ओके, तो इन लिपस्टिक्स के बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं। अगर आप कम बजट में अच्छी लिक्विड लिपस्टिक्स ट्राई करना चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर इट। दिस इज वाटर प्रूफ स्मज प्रूफ एंड वाटर रेजिस्टेंट। आपके लिप्स पे 8 to 10 hours ईजिली स्टे कर जाती है, लेकिन अगर आप कुछ खाते हैं तो आपके लिप्स जो है कंटिन्यूसली रब होते हैं, तो जहाँ से आपके लिप्स रब होते हैं वहाँ से जो है उतरने लग जाती है, वहाँ से फेड होने लग जाती है। दीज आर एब्सोल्युटली ड्राइंग ऑन लिप्स, सो मेक श्योर टू अप्लाई लिप बाम वेल बिफोर अप्लाइंग इट। ओके, जो लास्ट मिनी लिपस्टिक्स आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है NYB की मिनी लिपस्टिक्स। NYB ने भी मिनी लिपस्टिक्स निकाली है, और ये वाली जो लिपस्टिक्स है ये मैट नहीं है, ये क्लेम करती है इट नरिशेज लिप्स लॉन्ग लास्टिंग एंड सुपर पिगमेंटेड। चलिए देख लेते हैं। ये है बहुत ही मिनी, इसके अंदर आपको मिल जाती है चार लिपस्टिक्स, चार मिनी लिपस्टिक्स आपको मिल जाती है, ये मैट नहीं है। जो लोग मेरी तरह हैं जिनको मैट लिपस्टिक ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, क्योंकि यार लिप्स ना ड्राई हो जाते हैं, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। मुझे ना मेरे लिप्स जो है मॉइस्चराइज अच्छे लगते हैं, मुझे आदत है वैसलीन लगाने की हर थोड़ी देर में, तो मुझे थोड़ी सी वैसी लिप्स अच्छी लगती है जो मॉइस्चराइजिंग हो, तो आप ये वाली ट्राई कर सकते हैं। तो ये है काफ़ी मिनी, लाइक जो मेरी जो छोटी वाली फिंगर है ना उसकी जितनी आपको ये दिख रही होगी। यहाँ पर आपको दिख जाएगा शेड का नंबर और शेड का नाम। चलिए कंपेयर कर लेते हैं स्टेकवर्गी की मिनी लिपस्टिक्स और NYB की मिनी लिपस्टिक्स को। तो आपको दिख ही रहा होगा कि पैकेजिंग जो है NYB की काफ़ी बड़ी है, बट क्वांटिटी की बात करूँ तो एग्जैक्टली सेम है क्वांटिटी। ऐसा नहीं है कि उसकी ट्यूब बड़ी है तो क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, मैंने नोटिस किया है कि क्वांटिटी दोनों की एग्जैक्टली सेम है। तो एक किट में आपको मिलती है चार लिपस्टिक्स। तो चलिए मैं आपको स्वॉचेस दिखा देती हूँ। तो जस्ट लुक एट द वन स्वाइप पिगमेंटेशन मुझे बहुत अच्छी लगी, जो कि क्लेम करता है वन स्वाइप पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छी है। जी हाँ, दीज आर मॉइस्चराइजिंग लिपस्टिक, जो ये क्लेम करता है जी हाँ ये मॉइस्चराइजिंग लिपस्टिक है, ये ड्राई आपकी लिप्स को ड्राई नहीं करती है। आपको दिख भी रहा होगा थोड़ी सी ग्लॉसी फिनिश में है ये वाली लिपस्टिक्स, आपको मेरे लिप्स पे थोड़ी बहुत शाइन दिख रही होगी इन लिपस्टिक्स में। तो हाँ, ये पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है, दीज आर मॉइस्चराइजिंग, और इसमें आपको मिल जाते हैं चार डिफरेंट शेड, न्यूड पिंक रेड एंड एक आपको मिल जाएगा पिंकी टोन शेड। तो ये है हमारी नेक्स्ट किट, इसमें भी आप देख सकते हो वन स्वाइप पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी पिगमेंटेशन। ओके, तो ये है चारों शेड्स की स्वॉचेस, राइट साइड में है एक किट, दूसरी साइड में है दूसरी किट, तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे मैंने मेंशन कर दिया है कौन सी किट नंबर है। तो दीज आर द क्लोज अप, पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है, दीज आर मॉइस्चराइजिंग ऑन योर लिप्स। तो चलिए देख लीजिए इसकी स्वॉचेस नेक्स्ट किट के मेरे लिप्स पे। तो इसमें भी आपको चार से पांच किट्स मिल जाती है, आप अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं।
के, तो क्योंकि ये है मॉइस्चराइजिंग वाली लिपस्टिक तो ये डेफिनेटली ट्रांसफर होती है, ये ना तो क्लेम करती है कि ये मैट है। दीज आर एवरी डे में जो हम लिपस्टिक लगाते हैं ना कॉलेज और ऑफिस के लिए कंफर्टेबल वाली, तो ये वो वाली लिपस्टिक्स हैं। पहली बात, बहुत कंफर्टेबल है, लिप्स पे बहुत अफोर्डेबल है, बहुत क्रीमी है, पिगमेंटेशन बहुत कमाल की है और ये ट्रांसफर होती हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ कल, टेक केयर, बाय।